कंटक में द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मां नर्मदा की पूजा की और देश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पर पलटवार किया और कहा कि अगर हमारे गुरु ने मेरी नियुक्ति नहीं की है तो उनके सभी शिष्यों ने कैसे मुझे शंकराचार्य के रूप में स्वीकार कर लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वामी निश्चलानंद जी वो मर्यादा तो बताएं जिसका मैंने उल्लंघन किया है। अमर्यादित आचरण किसी भी शंकराचार्य का ना तो वो बर्दाश्त करेंगे ना ही हम करेंगे। बता दें कि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने शुक्रवार को कवर्धा में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की वैधता पर सवाल उठाए थे और कहा कि उनके गुरु ने किसी को गद्दी नहीं दी, नकली शंकराचार्य बनकर लोग घूम रहे हैं। दूसरी बात, आप भी शंकराचार्य बन के घूमेंगे तो मैं आपको बुलाऊंगा। जब शंकराचार्य बनाने की मर्यादा टूट जाएगी या टूट गई मान लीजिए, कल ये भी शंकराचार्य बन के घूमने लगे तो मैं बैठूंगा साथ में। उनको समर्थन, उनका काम बना ना, हमारा काम तो बिगड़ ही गया। इसलिए शंकराचार्यों को भी हो जो मर्यादा का अतिक्रमण करके, संविधान का अतिक्रमण करके शंकराचार्य बन के घूमेंगे। अंग्रेजों के शासनकाल में अहमदाबाद में एक महामंडलेश्वर ने अपने नाम के पहले जगतगुरु लिखा। अंग्रेजों ने कहा नहीं लिख सकते, अंग्रेज हिंदुओं के हिमायती नहीं थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा मालूम है? अगर हिंदुओं के यहाँ नकली शंकर जगतगुरु होंगे तो हमारे यहाँ पीर पैगंबर इसी प्रकार से पादरी भी पोप भी नकली होने लगेंगे। अंग्रेज इतने सूझबूझ वाले थे, सबसे पहले भारत में नकली शंकराचार्य कोई नहीं थे। गुरु जी ने हमारी नियुक्ति नहीं की तो फिर हमारे गुरु जी के सब शिष्यों ने कैसे स्वीकार कर लिया और उनकी जो वसीयत उन्होंने लिखी है वो कैसे प्रमाणित होगी? उनको नुकसान पहुंचाने की तो कोई कोशिश हम लोगों की तरफ से नहीं हो रही है। हम ही लोगों को उनकी तरफ से नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है। अमर्यादित आचरण करने वाले को ना तो वो स्वीकार करेंगे ना तो हम लोग स्वीकार करेंगे। बागेश्वर धाम के बारे में नहीं कहा हमने, हर उस व्यक्ति को कहा जो चमत्कार की बात कर रहा है।